अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं लौकी का रायता। लौकी ले लिए हमने 1 कप और हमने इसको इस तरह कद्दूकश कर लिया है। साबुत मिर्चें ले ली हैं हमने 7 से 8, हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है, 4 से 5 हमने लहसुन की जवे लिए हैं, उनको कट कर लिए नमक टेस्ट के हिसाब से। और हम इसकी चटनी पीस लेंगे। दही हमने लिया है 1.5 पाव के करीब, और हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है, लहसुन हमने लिया है कट कर लिया है, उसको 4 से 5 के लिए उसके लेके भंगार के लिए हम इसका भंगार करेंगे। 1 हम भगोना ले लेंगे, उसमें हमने पानी गर्म कर लिया है और उसमें हम लौकी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको बॉईल करने रख देंगे। और लौकी हो गई है हमारी बॉईल। चटनी हमने पीस ली, लहसुन, साबुत मिर्ची, ज़ीरा और नमक मिला के हमने चटनी पीस ली है। और अब हम इसको दही के अंदर मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर अपनी जो हमने लौकी बॉईल करी थी, बॉईल करने के बाद उसका पानी सारा निचोड़ के, और अब हम इसको लौकी को ऐड करेंगे इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम कर लेंगे अपना भंगार तैयार। 1 पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल में हमने डाल दिया है लहसुन और ज़ीरा, और इसको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और ऑयल और अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया है ऑयल फ्राई, और अब हम इसमें भंगार लगा देंगे। ये हो गया है हमारा लौकी का रायता तैयार। मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।